आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्गर किंग के Q2 के रिजल्ट के बारे में। बर्गर किंग के Q2 के रिजल्ट आ गए हैं, चेक करें कैसे रिजल्ट आए हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं बर्गर किंग के Q2 के रिजल्ट के बारे में। बर्गर किंग हाल ही की लिस्टेड कंपनी, न्यू एज बिजनेस वाली कंपनी, चेक कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट। सारे ही फिगर्स आपको रुपीज इन मिलियंस में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इनकम की, 2400 लास्ट क्वार्टर, 1500 लास्ट ईयर, 1100 था। एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हुए देखने को मिले। लॉस फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो लास्ट इस क्वार्टर 202 मिलियन का हुआ है, लास्ट क्वार्टर 440 मिलियन का था, लास्ट ईयर 380 मिलियन का था। लॉस सब्सिक्वेंटली कम होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की भी अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव ईपीएस थी वो एक्सट्रीम नेगेटिव से लेके थोड़ा नेगेटिव, फ्लैट नेगेटिव आती हुई देखने को मिली है। ठीक है, ओके है, लेकिन हाँ नेगेटिव है, अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है। कंपनी का एबिट भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, ना ही कंपनी का प्रॉफिट आया है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। वैल्यूएशन वाइज हायर वैल्यूएशन के ऊपर है, लेकिन हाँ बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। मनी फ्रंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप ना ही सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स नहीं है जहाँ पर कमीशन चार्ज होता है, कमीशन फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंस्टा कैश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट एफडीज AAA रेटेड कॉर्पोरेट NPS के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अनलिस्टेड शेयर्स आप बाय कर सकते हो, PMS सर्विस अगर आपको अवेल करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अवेल करनी है तो वो भी अवेल कर सकते हो। फ्री है ऐप पे अकाउंट ओपनिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.